आगे बढ़ते हुए आप बता दें कि धर्मशाला से सुधीर शर्मा ने पर्चा भर दिया है। धर्मशाला सीट पर उपचुनाव हो रहा है विधानसभा के लिए और यहां से बीजेपी के प्रत्याशी हैं सुधीर शर्मा के नामांकन में अनुराग ठाकुर शामिल। ये देखिए तस्वीरें, धर्मशाला सीट पर सुधीर शर्मा बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और उनके नॉमिनेशन के दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर उनके साथ मौजूद रहे। धर्मशाला उपचुनाव के लिए बीजेपी ने सुधीर शर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है। सुधीर शर्मा के मुकाबले में कांग्रेस ने देवेंद्र जग्गी को मैदान में उतारा। ये देखिए तस्वीरें नॉमिनेशन के वक्त की, सुधीर शर्मा पहुंचे अपना नामांकन दाखिल करने के लिए और इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर उनके साथ मौजूद रहे नॉमिनेशन के वक्त। ये देखिए तस्वीरें, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर नॉमिनेशन के वक्त मौजूद रहे सुधीर शर्मा के साथ। अभी की ये तस्वीरें हैं, सुधीर शर्मा ने धर्मशाला विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए पर्चा भरा है। बीजेपी के उम्मीदवार है सुधीर शर्मा, यहां से बागी विधायकों में से एक थे जिन्होंने कांग्रेस से बगावत की थी और उस वक्त धर्मशाला सीट से सुधीर शर्मा ही विधायक थे कांग्रेस के, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है, अब वो इस उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार हैं। उनके नॉमिनेशन में शिरकत करने के लिए अनुराग ठाकुर पहुंचे थे और सुधीर शर्मा ने इस मौके पर क्या कहा बताते हैं। और अनुराग ठाकुर जी केंद्रीय मंत्री और हमारे नेता यहाँ आज नामांकन में मेरे साथ थे और अभी हम जनसभा में भी जाएंगे और जिस प्रकार का माहौल है भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है कि धर्मशाला की सीट आज तक इतिहास में उतने मतों से नहीं जीत पाई होगी जो इस बार जीतेगी। और बौखलाहट सत्ता पक्ष की आप देख रहे हैं, इलेक्शन कोड का वायलेशन है जो 50 मीटर से अंदर आके नारे लगा रहे हैं, तो ये हताशा निराशा पता चलती है। आज खुद अनुराग जी आपके लिए नामांकन पे मौजूद हैं, किस तरह से देखते हैं इस पल को आप? देखिए बहुत खुशी की बात है और जो कार्यकर्ता हैं इनके आने से उनमें भी उत्साह है और धर्मशाला तो क्रिकेट स्टेडियम और इन्हीं के नाम से विश्व प्रसिद्ध हुआ है, तो मेरे लिए और हमारे कार्यकर्ताओं के लिए, धर्मशाला वासियों के लिए मैं कहना चाहूँगा ये बहुत बड़ी बात है, ये बड़ा दिन है। आज के दिवस को आप स्वाभिमान दिवस का नाम भी दे रहे हैं, क्या वजह है? भाई स्वाभिमान दिवस इसलिए क्योंकि हमने धर्मशाला के मान सम्मान और विकास की लड़ाई लड़ी है, ये लड़ाई लड़ते लड़ते ये उपचुनाव आया है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के साथ, तो ये हमारे सबके धर्मशाला के स्वाभिमान की लड़ाई है, इसलिए स्वाभिमान दिवस का नाम दिया है। तो नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंचे सुधीर शर्मा और इस दौरान अपनी प्रतिक्रिया का इजहार भी किया उन्होंने। अनुराग ठाकुर उनके साथ इस मौके पर मौजूद रहे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और इस मौके पर अनुराग ठाकुर ने क्या कहा ये भी आपको सुना। इनकी जीत के साथ जैसा आपने आईपीएल में देखा चौके छक्कों का सीजन था, उसी तरह से ही इस चुनाव में भी चौके छक्के लगने वाले हैं। चौका लगेगा लोकसभा की जीत का और छक्का लगेगा विधानसभा की जीत का। और धर्मशाला में अगर सुधीर जी लड़ रहे हैं तो छक्का बाउंड्री पार जाने वाला है, मुझे पूर्ण विश्वास है, रिकॉर्ड लीड से जीतने वाले हैं। मुझे आज भी याद है जब इन्होंने अपना पहला बाई इलेक्शन लड़ा, उस समय भी प्रेम कुमार धूमल जी चाहते थे कि सुधीर जी भारतीय जनता पार्टी में हो, लेकिन आज जब वो भारतीय जनता पार्टी में आए तो हमें और बल इनके आने से भी मिलेगा और निश्चित तौर पर हमारे सभी कार्यकर्ता इनकी जीत को सुनिश्चित करेंगे। हम लोग धर्मशाला को जो स्मार्ट सिटी बनाने का एक सपना है उसको मिलकर पूरा करेंगे। बहुत सारी संभावनाएं धर्मशाला के साथ साथ हिमाचल के विकास की है और इन्होंने एक बड़ा कदम लिया है, अपने 3.5 वर्षों का विधानसभा का कार्यकाल नहीं देखा, धर्मशाला का विकास और हिमाचल के विकास के लिए कदम उठाया है। मैं इनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और विश्वास दिलाते हैं कि भारी जीत होगी, रिकॉर्ड जीत होगी और फिर एक बार डबल कमल खिलेगा लोकसभा में भी और विधानसभा में भी।